और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन डॉक्टर की। सहारनपुर के देवबंद में पुलिस ने एक फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। ये झूला छाप डॉक्टर पिछले 10 सालों से क्लिनिक चला रहा था। बताया जा रहा है कि इस दौरान उसने 70,000 से ज्यादा सर्जरी भी कर डाली। आरोपी के पास से जो डिग्री मिली है वो कर्नाटका मेडिकल काउंसिल से प्रमाणित है और डिग्री राजेश शर्मा के नाम पर है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि राजेश शर्मा आज भी बेंगलुरु में अपनी क्लिनिक चलाते हैं और आरोपी ओमपाल शर्मा उनके साथ क्लिनिक में काम करता था। यहां स्वास्थ्य विभाग की भी एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, क्योंकि इस फर्जी डॉक्टर ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान योजना में भी रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था। अगर स्वास्थ्य विभाग सही तरीके से उसके कागजातों की जांच कर लेता तो उस डॉक्टर की पोल पहले ही खुल सकती थी, लेकिन पहले लापरवाही प्रशासन की तरफ से भी हुई, जिसकी वजह से यह सरकारी योजना के साथ भी इसका क्लिनिक आसानी से जुड़ गया। ओमपाल शर्मा नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इनके ऊपर ये आरोप है कि इन्होंने आज से करीब 10 साल पहले MBBS के फर्जी डिग्री हासिल किया, किसी दूसरे व्यक्ति के नाम की डिग्री को प्राप्त करके इनके द्वारा कर्नाटक मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया गया और उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर यहाँ UP मेडिकल काउंसिल और तत्पश्चात ये यहाँ सहारनपुर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में संविदा पर चिकित्सक रहे। इनके द्वारा 10 साल से फर्जी MBBS डिग्री के आधार पर डॉक्टर राजेश आर जो एक वैध व्यक्ति हैं और ये बेंगलोर में रह रहे हैं, बेंगलोर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी डिग्री को फर्जी तरीके से इस्तेमाल करके यहाँ सरकारी नौकरी कर रहे हैं। इसके साथ साथ आयुष्मान योजना के तहत इन्होंने अपने नर्सिंग होम को रजिस्टर्ड करा रखा है। जैसा कि इनके द्वारा बताया गया कि अब तक ये करीब 70,000 ऑपरेशन कर चुके हैं बिना उचित डिग्री के। इनके द्वारा नर्सिंग होम स्थापित करना एवं चिकित्सीय प्रैक्टिस करना, इस आधार पर इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था और आज इनकी गिरफ्तारी की गई। इस संबंध में जो जानकारी प्राप्त हुई है, पहले भी इनके डिग्री के बारे में शिकायत की गई थी जो स्थानीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जाँच कराई गई थी, लेकिन उस जाँच से इनके डिग्री के फर्जी होने की जानकारी उस जांच में नहीं प्राप्त हो पाई थी। हमारी स्पेशल टीम ने करीब 15 दिन की मेहनत पर बंगलोर से जाकर के इनके सारे रिकॉर्ड्स और संबंधित मूल व्यक्ति जिसके रिकॉर्ड का इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है उससे भी मुलाकात की है, अभियोग पंजीकृत हुआ है और इसकी विवेचना की जा रही है और इसके लिए एक स्पेशल टीम लगा करके हम विवेचना कराएंगे ताकि इनके द्वारा अन्य जो डॉक्यूमेंट्स फर्जी किए गए हैं सबकी जानकारी हो सके। तो आपने सुना कि किस तरीके से ये व्यक्ति अवैध तरीके से प्रैक्टिस कर रहा था, 70,000 के आसपास सर्जरी अभी तक कर चुका था। कर्नाटक में एक डॉक्टर हैं, उनकी डिग्री का इसने फायदा उठाया फर्जी तरीके से और सहारनपुर में आकर ये प्रैक्टिस करने लगा। इसने अपने जो क्लिनिक है उसको आयुष्मान योजना के तहत भी रजिस्टर्ड कराया था, यानी कि उस वक्त भी इसके कागजातों की जाँच ठीक तरीके से की गई होती तो ये मामला उस वक्त भी खुल जाता। पुलिस ने फर्जी डॉक्टर की पोल खोल दी है, लेकिन अभी तक ये 70,000 लोगों का इलाज कर चुका है और आरोपी के पास जो डिग्री है वो कर्नाटका मेडिकल काउंसिल से प्रमाणित है और डिग्री राजेश शर्मा के नाम पर है और उसी डिग्री का ये फर्जी तरीके से इस्तेमाल कर रहा था। और इस वक्त हमारे संवाददाता विशाल रघुवंशी जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। विशाल, सबसे पहले बताइए कि पुलिस को ये जो कामयाबी मिली है, क्या शिकायत थी, क्या सूचनाएं थी पुलिस के पास जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई और इस डॉक्टर के बारे में पुलिस तमाम जो चीजें हैं वो बाहर ला पाई? जानकारी मिली कि ये जो डॉक्टर है ये दूसरे की डिग्री पर काम कर रहा है और कुछ लोगों की जानकारी के बाद पुलिस ने तफ्तीश की
खासतौर से पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आयुष्मान योजना के तहत अपना नर्सिंग होम इसने रजिस्टर करा रखा था। ये एक बड़ी चुनौती थी कि अगर सरकारी योजना है, केंद्र सरकार की योजना है और उसमें अपना रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है, तो ये फेक कैसे हो सकता है। इस पर पुलिस ने तफ्तीश की और तफ्तीश के बाद ये मालूम चल पाया कि ये दूसरे डॉक्टर्स की डिग्री का इस्तेमाल अपनी प्रैक्टिस में कर रहा है और यही वजह है कि पुलिस ने इस पर शिकंजा कसा है। हालांकि पुलिस को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और इसके बारे में पता करना पड़ा कि आखिरकार इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी डिग्री फेक है या रियल है, इस बारे में पता करने की कोशिश की गई। तमाम जो इंटेलिजेंस के लोग हैं उनको लगाया गया, जो एलआई यूनिट्स के लोग, उनको कहा गया कि आप पता कीजिए। तो अपने स्तर पर ये पता चला कि ये जो डॉक्टर है ये दूसरे की डिग्री का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन जिस तरह से इसने रजिस्ट्रेशन कराया है आयुष्मान योजना के तहत अपने नर्सिंग होम का, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा सिंडिकेट जो है वो काम करता है इस तरह के सिस्टम में, और शायद यही वजह थी कि इतने आराम से अपना जो नाम है, अपने नर्सिंग होम का जो नाम है वो रजिस्ट्रेशन करा दिया और आराम से अपना नर्सिंग होम चला रहा था। आपसे आगे बातचीत करेंगे विशाल, लेकिन इस वक्त यूपीआईएमए के अध्यक्ष रमा श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमा जी, आपके संज्ञान में यह मामला आ गया होगा कि इस तरीके से भी प्रैक्टिस चल रही है फर्जी डिग्रियों पर और सरकारी जो योजनाएं हैं उनसे भी फर्जी कागजातों के आधार पर क्लिनिक चल रहे हैं, तो ये बड़ा खुलासा यूपी पुलिस ने किया है। जी देखिए, समाज में जो भी लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं उनको पकड़ना तो सरकार का काम है जी। इनका पंजीकरण मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ से हुआ होगा, तो ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अधिकार है कि वो सभी कागजों की जांच पड़ताल करें और तब पंजीकरण करें। तो ये कहाँ कमी हुई ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा कई जगहों पे, ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में ऐसे हजारों सेंटर्स हैं जो डॉक्टर्स नहीं हैं, एलोपैथिक डिग्री नहीं है, एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, नर्सिंग होम खोले हुए हैं, तो इस पर तो कार्यवाही होनी ही चाहिए। लेकिन काम तो ये सरकार का है ना, गैर कानूनी जो भी हो रहा है, नियम के तहत नहीं हो रहा है, तो उस पर कार्यवाही करना सरकार। आप बने रहिए रमा श्रीवास्तव जी हमारे साथ। इस वक्त एसपी देहात विद्या सागर मिश्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विद्या जी, एक बड़ा आपने केस खोला है, ये क्या कुछ सूचनाएं आपके पास पहुंची थी और कैसे कड़ी दर कड़ी आप जोड़ते गए, क्योंकि मुश्किल आप लोगों के लिए भी रहा होगा कि ये कैसे आखिरकार सरकारी योजना के साथ इसने अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया। और दूसरी बात ये कि जो अधिकारी हैं जब वो दस्तावेज चेक करते हैं तो क्या उनकी लापरवाही यहाँ पर नहीं रही कि एक सरकारी योजना से एक फर्जी डिग्री धारक को जोड़ दिया गया। और ये जानकारी मिली क्योंकि डॉक्टर साहब ने एक अभियोग पंजीकृत कराया था कि इनसे रंगदारी मांगी गई है, किसी ने इनसे रंगदारी मांगा है, तो उस श्रृंखला में इनके द्वारा यह इंगित किया गया था, एक स्थानीय डॉक्टर के बारे में इंगित किया गया था कि उनकी संलिप्तता है। जब हम लोग जांच करना शुरू किए, फिर उस डॉक्टर से बात हुई जिसको डॉक्टर ओमपाल ने कथित डॉक्टर ओमपाल ने इंगित किया था, जब उनसे बातचीत हुई और उनके बारे में हमने आईडी जानकारी प्राप्त किया, तो उनके द्वारा कुछ चीजें बताई गई कि इनकी डिग्री फर्जी हो सकती है, वो शायद अपने बचने के लिए कहे हो या जो सारी चीजें रही। फिर हमने जब इनकी डिग्री की छानबीन शुरू की और वहां पर क्योंकि इनके डिग्री में राजेश आर लिखा हुआ था, बाद में इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया राजेश शर्मा और यहाँ राजेश शर्मा के नाम से विख्यात थे और सरकारी योजनाओं में थे, चूंकि सीएससी देवबंद पर रह चुके थे और ये संविदा के रूप में काम कर रहे थे, और उन्हीं सर्टिफिकेट के आधार पर, राजेश आर के सर्टिफिकेट के आधार पर इनके नर्सिंग होम का पंजीकरण या संविदा पर जो कर रहे थे, वो तो अलग जांच का विषय है। फिर हमारी टीम बंगलोर गई और मूलतः जो वैलिड डिग्री होल्डर है मिस्टर राजेश आर, उनसे मुलाकात हुई, फिर इनके बारे में जानकारी मिली। ये एयरफोर्स कमांड हॉस्पिटल में सहायक के रूप में कहीं कार्य किए हैं और ये भी जानकारी मिली है, जिसको भी पुष्टि किया जाना है कि एयरफोर्स से पेंशन भी ले रहे हैं ओमपाल के नाम से। हाँ विद्या सागर जी, मैं थोड़ी सी जानकारी और चाहूंगा, क्या ये जो राजेश जी का आप जिक्र कर रहे हैं इन्हीं के यहाँ पर ये जो ओमपाल हैं काम करते थे पहले, दूसरा ये क्या ये अभी भी सरकारी नौकरी पर सहारनपुर में बने हुए थे?
जी अभी ये सरकारी नौकरी कर रहे थे, लेकिन जब जांच हुई और इनकी गिरफ्तारी हुई तो हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को रिपोर्ट भेज दिया है, उनके द्वारा कार्रवाई की जा चुकी है। और डॉक्टर राजेश आर से इनका संपर्क, जब ये एयरफोर्स में सेवारत थे उस समय इनका संपर्क हुआ था, और डॉक्टर राजेश आर विदेश चले गए थे, विदेश करीब 17-18 साल वो अपना विदेश रह करके वापस भी आ चुके हैं, तो उनसे भी हमारी टीम की मुलाकात हो चुकी है, उनसे संपर्क इनका था और उनके डिग्री को इन्होंने एमकेएम प्रकरण लेकर के अपने हित में प्रयोग किया, अपना फोटो लगा दिया और कुछ इनके द्वारा फॉर्जरी की गई। ये जो रंगदारी की बात आपने कही, क्या ये रंगदारी जो ओमपाल हैं, जो आरोपी हैं, उन्हीं की तरफ से मांगी गई थी या उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था, इस पर थोड़ा सा और स्पष्टीकरण आपसे चाहेंगे। ये डॉक्टर साहब की तरफ से, जो मूलतः ओमपाल डॉक्टर राजेश शर्मा जी, इनके द्वारा दर्ज कराया गया था कि इनके द्वारा, इनसे बदमाशों के द्वारा रंगदारी मांगी गई है, जिसमें एक शहर के डॉक्टर का नाम लिया था कि उनकी सहमति हो सकती है या उनका उनका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। जी ठीक है, उन्होंने ये बताया था कि जी। रमा श्रीवास्तव जी भी जुड़ी हुई हैं। रमा जी, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी पर है तो क्या वो अगर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है तो ये भी तो गैर कानूनी है मैम? बिल्कुल गैर कानूनी है, ये कहीं भी प्रावधान नहीं है। अलग अलग संविधान के रूल हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल्स हैं, लेकिन जहाँ पे ये गैर कानूनी है वहाँ पे सरकारी डॉक्टर प्राइवेट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। जी, इस पर कुछ विद्या सागर जी कहना चाह रहे थे। ये संविदा चिकित्सक थे, जैसे कि यहाँ जो जानकारी हम लोगों को मिली, बताया गया स्थानीय चिकित्सा विभाग द्वारा कि संविदा चिकित्सक थे, तो मैडम बेहतर जान सकती हैं ये संविदा पर रहते हुए अपना नर्सिंग होम खोल सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं, लेकिन ये संविदा पर थे, परमानेंट डॉक्टर नहीं। एक इस पर स्पष्टीकरण रमा जी थोड़ा सा आप बता दीजिए कि अगर कोई संविदा पर है तो क्या प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है वो? हाँ, संविदा पर वालों को ये प्रावधान है क्योंकि वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं और बाकी समय में वो स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, दूसरी जगह काम करने के लिए। ठीक है, विद्या सागर जी, यहाँ पर क्या जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि तमाम जो कागजात हैं, अगर कोई सरकारी योजना को लेकर रजिस्ट्रेशन आया है तो उसकी छानबीन की जाए, क्या उनकी जिम्मेदारी भी इसमें तय की जाएगी कि उन्होंने ठीक से जांच क्यों नहीं की उस वक्त? अभी संबंध में हमारे द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग से भी हम डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लेंगे और उस आधार पर जो भी होगा हम गवर्नमेंट को रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे। हाँ, इसमें एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोगों के पास तो शिकायत आई तो ये चलिए मामला किसी तरीके से खुल गया, लेकिन हो सकता है इस तरह के अनेकों मामले चल रहे होंगे, तो ये तो बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए कि कैसे उनका पता लगाया जाए कि कौन फर्जी है कौन सही है, अगर इतनी जालसाजी की जा सकती है कि किसी दूसरे डॉक्टर की प्रैक्टिस पर कोई और प्रैक्टिस कर रहा हो, सर्टिफिकेट पर कोई और डॉक्टर आकर प्रैक्टिस करने लगे, तो आप लोग कैसे पकड़ पाएंगे सर उसे? अभी संबंध में जो संबंधित विभाग है तो उसके द्वारा जांच किया जाना चाहिए, या हमारे पास अगर कोई स्पेसिफिक शिकायत आती है उसके आधार पर हमारे द्वारा जांच और कार्रवाई की जा सकती है। रमा जी, ये बहुत मुश्किल है कि आप कैसे पता लगाएंगे कि किसकी डिग्री है, कौन प्रैक्टिस कर रहा है, ये तो आईएमए की भी जिम्मेदारी यहाँ तो बनती है कि देखा जाए कि कहीं ऐसे फर्जी डॉक्टर काम तो नहीं कर रहे। नहीं, आईएमए की जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन आईएमए के नाम पर, डॉक्टर्स के नाम पर किस गांव में, किस दूर प्रदेश में कोई, मान लीजिए हमारा नाम और हमारी डिग्री लेके कोई बैठ जाए तो वो कैसे पता लगेगा? जब तक उसके खिलाफ कंप्लेन नहीं होगी या सरकार ने ये प्रावधान बनाया है ना कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ पंजीकरण होना चाहिए, सभी संस्थाओं का जितने भी चल रहे हैं उन सबका पंजीकरण मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ होना चाहिए, ये इसीलिए बनाया गया था ताकि क्वैकरी और जो गैर कानूनी अस्पताल चल रहे हैं वो पकड़े जाएं। लेकिन जो सभ्य और सुसंस्कृत लोग हैं, चिकित्सक वर्ग के पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो पंजीकरण करा लेते हैं, और सुदूर प्रदेशों में जहाँ कोई देखने वाला नहीं है, पकड़ने वाला नहीं है, वहाँ ऐसी संस्थाएं चल रही हैं, चिकित्सा संस्थान चल रहे हैं, तो पकड़ना तो सरकार को ही पड़ेगा। अभियान चलाती भी है सरकार, बीच बीच में ऐसा होता है कुछ दिनों के लिए ये संस्थाएं बंद हो जाती हैं, उसके बाद फिर खोल लेते हैं ये लोग, ये हर चाहे चिकित्सा विभाग हो
या कोई दूसरा विभाग हो, ये सब तो चल ही रहा है। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं बड़ा मुश्किल है। विद्यासागर जी, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, जो अपना प्राइवेट क्लिनिक चला रहे थे वहां पर कितने लोग काम कर रहे थे, कितना बड़ा इनका क्लिनिक चल रहा था वहां? इनकी क्लिनिक अच्छी है, करीब करीब 10-12 लोग इनके यहाँ काम कर रहे थे, और क्योंकि सरकारी योजना के तहत इनके यहाँ ऑपरेशन होता था, तो एक वेल एस्टेब्लिश्ड इनका नर्सिंग होम था, और उसमें ये 70,000 ऑपरेशन कर चुके हैं। सर, ये और चौंकाने वाला आंकड़ा है कि अभी तक ये पिछले 10 कितने ऑपरेशन किए हैं, लेकिन जो स्थानीय रूप से जानकारी मिली है इनके द्वारा खूब ऑपरेशन किया गया है। एक चीज और सर आपसे सवाल ये है कि अगर इन्होंने अपना नाम बदला है तो फिर अन्य जो दस्तावेज हैं वो भी इन्होंने फर्जी बनवाए होंगे अपना नाम बदलवाने के लिए, तो उस संबंध में भी कोई मुकदमा इन पर दर्ज होगा क्या? इस संबंध में जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, अभी प्राइमरली हम जांच कर रहे हैं। जो आपने इनके डॉक्यूमेंट्स तो चेक किए होंगे, उनमें इनका नाम क्या है, उन डॉक्यूमेंट्स में क्या नाम लिखा हुआ है इन्होंने? इनका मूल नाम ओमपाल है, ओमपाल के नाम से बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं इनके। ठीक है, मतलब यहाँ भी उम्मीद है कि कुछ फर्जीवाड़ा हुआ होगा अन्य डॉक्यूमेंट्स में, अब वो जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। चलिए, आपका शुक्रिया विद्यासागर जी। रमा जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। रमा जी, जैसा कि एसपी साहब बता रहे हैं कि मूल रूप तो जो नाम है वो ओमपाल लिखा हुआ है, लेकिन जो डिग्री है वो राजेश के नाम पर है, तो मैम यहाँ तो साफ तौर पर पकड़ी जा सकती थी ये चीजें, तो यानी कि आप मानती हैं कि इसमें जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनकी घोर लापरवाही रही? नहीं, इस पर टिप्पणी करना मेरा काम नहीं है, मैंने अपने स्तर से जो भी उचित समझा किया होगा जी। ये तो वाकई जांच पड़ताल के बाद ही पता लगेगा ना कि खामी कहाँ थी, गलती कहाँ थी, और ये तो एक व्यक्ति पकड़ा गया है, ऐसे सैकड़ों हैं। तो ये जो सैकड़ों हैं मैम, ये कैसे पकड़ में आएंगे, ये भी तो बड़ा सवाल है। आप यूपीआईएमए के अध्यक्ष हैं, आप अपने स्तर पर कुछ कोशिशें कर सकती हैं क्या इस पे, आईएमए की कुछ जिम्मेदारी बनती है इसके लिए? हाँ बिल्कुल, जिम्मेदारी बनती है, लेकिन कानून तो सरकार के हाथ में है ना, हमारे पास अधिकार नहीं है। नहीं, अधिकार नहीं मैम, आप कंप्लेन तो करा सकती हैं कम से कम। हाँ, ये हम कर सकते हैं और हम समय समय पर हम लोग करते भी रहते हैं, ऐसा नहीं है। हमने बताया ना कि ऐसे कंप्लेंट्स के बाद वो संस्थाएं बंद हो जाती हैं और फिर 2-4 महीने बाद खुल जाती हैं। ये सब हम लोग कर चुके हैं पिछले 10 सालों से, 15 सालों से, ये सतत प्रयास हम लोगों का भी चल रहा है कि समाज में गलतियां कम से कम हो, जो नॉन एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो इसकी प्रैक्टिस ना करें, लेकिन ये संभव हो नहीं पाता है क्योंकि आईएमए के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि हम किसी को रोकें, रोकने का काम तो सरकार का ही है ना। बिल्कुल, ये सरकार का। रमा जी आप बने रहिएगा, हम कुछ सवाल भी उठा रहे हैं, वो भी दर्शकों को एक बार बता देते हैं कि आखिरकार जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के सवाल हैं कि स्वास्थ्य विभाग ने फर्जी डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन कैसे कर दिया, क्योंकि ये जो सरकारी योजना है उनके साथ भी इनका क्लिनिक जुड़ा हुआ था, सालों तक ये फर्जी प्रैक्टिस कर रहे थे, किसी को आखिरकार कैसे पता नहीं चला, डॉक्टर की शिकायत की गई तब जाकर ये पूरा मामला खुला है, संविदा पर सरकारी नौकरी भी करता रहा लेकिन कहीं और प्रैक्टिस भी कर रहा था और किसी को पता तक नहीं चला, ये तमाम सवाल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इस वक्त उठा रहा है। और हमारे साथ लगातार आईएमए की अध्यक्ष जुड़ी हुई हैं। रमा जी, एक सवाल ये भी है कि अगर कोई संविदा पर नौकरी करता है वहां भी तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती होगी, कुछ वेरिफिकेशन होती होगी, उसके लिए भी कुछ प्रमाण मांगे जाते होंगे और उसकी डिग्री भी देखी जाती होगी, वहां भी ये मामला खुल सकता था अगर ठीक से वेरिफिकेशन होती? हाँ, कहीं तो वेरिफिकेशन में कमी हुई ही है, फोटो आईडी तो लगा होगा, जिस व्यक्ति के डॉक्यूमेंट हैं उसका फोटो आईडी भी तो होगा, वही व्यक्ति होना चाहिए। कहाँ फर्जी हुआ ये तो जांच पड़ताल से ही पता लग सकता है, लेकिन हुआ ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए गए होंगे और व्यक्ति किसी दूसरे के नाम पे प्रैक्टिस कर रहा है। वो असल में जो नाम बताया जा रहा है जिनकी डिग्री है वो कहाँ है, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए कि उनके कागजात इन्होंने चुराए या उनसे धोखे से लिए। आपको सुझाव इसमें देना चाहेंगे कि कैसे इस तरह के मामले रुक सकते हैं, सरकार को आपकी तरफ से कुछ सुझाव हैं क्या इस मामले को लेकर? सरकार को समय समय पर अभियान चलाना पड़ेगा क्योंकि चिकित्सा विभाग में भी बहुत कार्यभार बहुत अधिक होता है, तो एक समिति गठित की जाए जिसमें प्राइवेट के डॉक्टर्स हों, सरकारी डॉक्टर्स हों और
सब लोग मिलकर एक जांच आयोग की कमेटी रहे, वो समय समय पर ये अभियान चलाकर ऐसे लोगों की जानकारी सरकार को दे। एक कमेटी रहेगी तो उसे अधिकार रहेगा, तब वो ये काम कर सकती है। अनऑथोराइज तो हम किसी को, सिटीजन को नहीं परेशान कर सकते ना, हमें उस बात के तहत में तो हम लोग चिकित्सकों का एक संस्थान है, हम लोगों का IMA जो है ये विश्व में फैला हुआ है, इंडिया में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स मेंबर्स होते हैं। लेकिन इस IMA को किसी के खिलाफ अभियोग चलाने का या कानून के तहत काम करने का तो ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है। चलिए, शुक्रिया रमा श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरकार को अभियान चलाने पड़ेंगे तभी इस तरह के मामले खुल पाएंगे, नहीं तो ना जाने कितने ऐसे फर्जी क्लिनिक चल रहे हैं, फर्जी डॉक्टर वहां पर ऑपरेशंस भी कर रहे हैं। पुलिस ने क्या कुछ कहा था इस पूरे मामले के सामने आने के बाद, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। जैसा कि इनके द्वारा बताया गया कि अब तक ये करीब 70,000 ऑपरेशन कर चुके हैं बिना उचित डिग्री के। इनके द्वारा नर्सिंग होम स्थापित करना एवं चिकित्सीय प्रैक्टिस करना, इस आधार पर इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था और आज इनकी गिरफ्तारी की गई है। विशाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, कुल मिलाकर देखें तो ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा था और सरकार को अब सख्त होना पड़ेगा इस मामले को लेकर। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से फेक डिग्री का प्रयोग हो रहा था, खासतौर से दूसरे की डिग्री का प्रयोग अपनी प्रैक्टिस के लिए किया जा रहा था, ये अपने आप में एक बड़ा फर्जीवाड़ा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जगह हैं जहां पर ग्रामीण इलाकों में फर्जीवाड़ा होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं वो फर्जी डिग्री लेकर प्रैक्टिस करते हैं, जो झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं उनके खिलाफ सरकार अभियान जरूर चलाती है, लेकिन सीमित स्तर तक ही अभियान चलता है। ऐसे में इस तरह के जो डॉक्टर्स जो बाकायदा प्रॉपर जो है शहरी इलाकों में इस तरह से क्लिनिक चला रहे हैं, और सबसे अहम बात यह है कि सरकारी जो योजना है उसके तहत अपने जो डॉक्टरी है या नर्सिंग होम है उसको रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। ये एक अपने आप बड़ा सिंडिकेट है और इस सिंडिकेट को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप देखिए तस्वीरों में, तो तमाम ऐसे झोला छाप डॉक्टर्स हैं जो हर जगह पर होते हैं। हर जिले की ये स्थिति है, ग्रामीण इलाकों में अक्सर देखा जाता है कि झोला छाप डॉक्टर्स इलाज करते हैं और जब इलाज की वजह से मौत हो जाती है किसी ग्रामीण की, तब उसके बाद हंगामा होता है, तब मालूम चल पाता है। ऐसे में इन लोगों को चिन्हित करने के लिए बकायदा एक स्कीम चलानी चाहिए। हालांकि काफ़ी हद तक सरकार ने कोशिश की थी कि झोला छाप डॉक्टरों पर सीधे तौर पर लगाम लग सके, या दूसरे की डिग्री पर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके ऊपर लगाम लग सके, लेकिन ये संभव इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि जो इंटीरियर एरिया है वहाँ पर मेडिकल जो टीम है वो पहुंच नहीं पाती है, जांच नहीं कर पाती है, और यही वजह है कि जो तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो इसी तरह से आराम से अपना पूरा गोरख धंधा चलाते हैं। और जब कोई गिरफ्तारी होती है तब ये बात उठती है कि इस तरह के डॉक्टर्स पर लगाम लगनी चाहिए जो लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इन पर लगाम लगनी चाहिए, बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आप बने रहिएगा, आपसे आगे भी चर्चा जारी रखेंगे विशाल, और इस पूरी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। ऑपरेशन डॉक्टर पर ये बड़ी पड़ताल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की चल रही है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे।